नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मनीष पाटीदार है। मैं ग्रामोफोन से फील्ड एक्सपर्ट हूँ। मैं आज आपको लेकर आया हूँ दाऊदखेड़ी में अपने रमेश जी गायरी के खेत पे, जिन्होंने ग्रामोफोन की सलाह द्वारा अपने प्याज का ट्रीटमेंट किया, जिनका इन्हें आसार छोड़ दिए थे कि बारिश अधिक होने के कारण इनके प्याज नहीं बन रहे थे। तो इन्होंने ग्रामोफोन की राह द्वारा जो भी स्प्रे किया है, जो भी इनको वेसल डोज फर्टिलाइज़र वगैरह दिया है, जिसमें देखो आप देख रहे हो प्याज की साइज इस प्रकार है, जो इन्होंने ग्रामोफोन की राह से किए हैं। मैं थोड़ा सा इनसे आग्रह करता हूँ कि ये बताएंगे कि इनको ग्रामोफोन से जुड़कर क्या क्या फ़ायदा हुआ है। जी सर, आपका नाम वगैरह बता दीजिए। नाम तो रमेश गायरी दाऊदखेड़ी। जी सर, सर आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ है ग्रामोफोन से जुड़कर? फायदा तो ये हुआ कि ये स्थिति ये थी कि ये मतलब साँकने जैसी। तो आपने इसमें ग्रामोफोन की राह से स्प्रे भी किए हैं? इससे आपके ग्रामोफोन के हिसाब से ये प्याज हुए। जी सर, तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा हुआ, आज अच्छा मतलब दाम मिलेगा के। अच्छा जी सर, तो आप ग्रामोफोन का धन्यवाद करना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद करना चाहते हैं। जी सर, तो आगे भी आप क्या क्या फसल लगाई आपने ग्रामोफोन की राह से? अफीम है, लहसुन है। जी सर, गेहूँ वगैरह। जी सर, तो आपने इसमें 0050 दिया था, उसका रिजल्ट देखने को मिला है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप पोटास डालते हो हमेशा तो इतना रिजल्ट मिलता है आपको? नहीं, पोटास से इतना रिजल्ट एकदम मतलब जल्दी नहीं मिलता। तो ग्रामोफोन के एक्सपर्ट द्वारा आपको क्या बताया गया था 0050 के लिए? ये गठन अच्छी बनेगी मतलब। हाँ, तो उसका रिजल्ट मिला है आपको सर? मिला है सर, बिल्कुल मिला है। जी सर, धन्यवाद।